ये जाके चीजें खा चुके ना पता चले हेरा फेस पैक बताते बताते ऊपर चली गई। येलो कलर की प्लेट में येलो कलर का ही फेस मास्क। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है मेरी उपटन है के सामने आपको दिखाऊंगी कि व्हाट्स द डिफरेंस। मोरे सैया मेला के मोसे नैना, इस मास्क ने मेरे फेस पे ग्लो देखी। हेलो एवरीवन, दिस इज मी हेरा फैसल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को ना अपनी जो डाउनलोड लिस्ट होती है ना उसमें सेव करके रख लें, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो लोग जो अपने स्किन पे केमिकल्स नहीं लगाना चाहते हैं। तो मैं आज उन लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा फेस पैक जो कि आप नॉर्मली घर बैठ के बना सकते हैं और उन इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं जो आपको नॉर्मली घर पे मिलते हैं, और वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो फेस पैक आप अपने फेस पे लगाने के बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जैसे अगर आपके ओपन पोर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गर्ल्स के लिए, इवन बॉयज़ के लिए भी, जिनके ओपन पोर्स होते हैं, जिनके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, या जो चाहते हैं कि हमारी ग्लोइंग स्किन हो लेकिन हम कोई केमिकल नहीं लगाना चाहते अपने फेस पे, जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले मैं आपको फेस पैक बनाने का तरीका बताती हूँ, एंड देन मैं अपने फेस पे लगाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि उसके इंस्टेंट रिजल्ट। जो मैं फेस पैक आपको बताने वाली हूँ ना, उसके रिजल्ट्स ना इंस्टेंट है, लाइक लगाते साथ ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं वो बहुत दफा ट्राई करती रहती हूँ, तो मेरा तो वो फेवरेट है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये चीज आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो भाई कुछ यूजफुल चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि वो आपके काम आए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम वो फेस पैक बनाते हैं एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। सो लेट्स गो। तो वहाँ पर मैंने कैमरा जो था वो ट्राइपॉड पे लगाया हुआ था, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो सारी नीचे पड़ी हुई हैं, तो मुझे फेस पैक बनाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं पहले नीचे जाकर चीज़ें खा चुकी हूँ ना पता चले हेरा फेस पैक बताते बताते ऊपर चली गई। सो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, चीज़ें कलेक्ट करते हैं और आपको बताती हूँ कि क्या क्या इसमें यूज़ होना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हैं, लेकिन आपको ऐसे समझ नहीं आएगी तो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा बनाना, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। सेकेंड है हमारे पास दही योगर्ट। थर्ड है हमारे पास टर्मेरिक पाउडर। फोर्थ है हमारे पास हनी, लेकिन मैं देसी मॉम के घर में रहती हूँ तो उन्होंने किसी और डिब्बे में हनी डाला हुआ है। फिफ्थ हमारे पास है बेसन पाउडर, इसको हम ग्राम फ्लावर भी कहते हैं, और ये भी किसी और बॉक्स में है। तो ये सारे काम मेरी अम्मा के हैं। तो अब हम इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ कितनी कितनी। मुझे थोड़ा फेस पैक ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैंने अपनी अम्मा और अब्बा के फेस पे भी लगाने, क्योंकि उनको हमेशा होता है कि जब भी कोई फेस पैक रेडी करते हो तो हमारे फेस पे भी लगाया करो। सो मैं ये रेडी करती हूँ और इसके फ़ायदे आपको बताती हूँ। और आप यकीन करें, आप इस फेस पैक के फ़ायदे सुन के आप यू गाइस विल बी लाइक कि यार इतने फ़ायदे सिर्फ इस अकेले के, और वो भी इंस्टेंट। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हमने अपने जो बनाना है ना उसको मैश करना है, मतलब इजी नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैश करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो जो हमारा बनाना था वो मैश हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, 1, 2, 3 थ्री टेबलस्पून योगर्ट। योगर्ट ऐड करने के बाद हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह का हो गया। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं बेसन, ठीक है। तो बेसन का भी हम इसमें 1 चम्मच ही ऐड करेंगे, लाइक इतना सा हम इसमें बेसन ऐड करते हैं। ओके, सो बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़्यादा जो इतनी सी हल्दी पाउडर, टर्मेरिक पाउडर भी कहते हो इसको, आप हल्दी भी कहते हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना ये एक ही चीज़ है। वैसे हमारा कुछ मिक्सचर, अब हम इसको मिक्स करेंगे। एक चीज़ रह गई है, वो हमें ऐड करना है हनी। इसमें हम ज़रा सा इतना सा हनी ऐड करेंगे। सो देखिए, मैं ये थोड़ा फैंसी तरीके से इसमें हनी ऐड कर रही हूँ, और मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मैं ऐसे ही खा जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि इसमें हल्दी और बेसन और ये सब ऐड हो गया, लेकिन इसकी खुशबू जो है वो बनाना टाइप आ रही है। और देखें साथ इसका ना कलर चेंज होना शुरू हो गया। बेसिकली विटामिन ए और विटामिन ई होता है बनाना में, जो कि आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको जब मैं फेस पे लगाऊंगी तब बताऊंगी कि इस फेस पैक का क्या फायदा है। ओके गाइस, तो मैं अपना जो टाटा फेस पैक था ना वो बना के ले आई हूँ। इट्स समथिंग लाइक दिस, बहुत ही येलो येलो सा हो गया है। येलो कलर की प्लेट में येलो कलर का ही फेस मास्क, और लाइक इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि ये फेस पैक सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्किन अच्छी रख सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपनी स्किन का ख्याल रखें, बॉयज़ की भी है,
तो वो भी अपनी केयर कर सकते हैं अपनी स्किन की। सो ये पैक आप यूज़ कर सकते हो। इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, ये फेस पैक है ना, ये एंटी एजिंग है, ये सारे आपके जितने भी रिंकल्स हैं उनको ख़त्म करता है। ये आपके जो ओपन पोर्स, सबसे बड़ा मसला होता है ओपन पोर्स का, ये उसको श्रिंक करता है। उसके अलावा आपके फेस पे इतना इंस्टेंट ग्लोइंग इफेक्ट देता है ना कि ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दिस फेस पैक बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि ये आपके इस जो चेहरे पे ग्लोइंग इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें बनाना ऐड है। बनाना में विटामिन ए और विटामिन ई होता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है, जो आपकी स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, जो आपके रिंकल्स ख़त्म करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करेगा। ये तो पहले मैं लगा लूँ और फिर इसके फ़ायदे आपको बाकी बाद में बताऊँ, क्योंकि इस फेस पैक के इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैं ये यूज़ करती रहती हूँ और कभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। सो आई थॉट कि आज शेयर करूँ विदाउट केमिकल स्किन केयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने बाल बांधते हैं, क्योंकि बाल स्किन केयर में बहुत ज़्यादा इरीटेशन करते हैं। अच्छा, ऐसे करके ऐसे एंड देन ऐसे फिर ऐसे, और ये बन गया पोपॉय द सेलर मैन। और मुझे नहीं पता मैं इस टाइम क्या बन गई हूँ, तो भी बन गई हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके फेस पे जो भी मेकअप है, जो भी डर्ट है, आपने पहले वो रिमूव करनी है। इसलिए मैं पहले क्लेंजिंग वाइप यूज़ कर रही हूँ। इससे हम अपना फेस क्लेंज करेंगे, देखते हैं जितनी भी हमारे फेस पर डर्ट थी सब ख़त्म करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा येलो आ गया, वो भी हल्दी थी जो मेरी उंगलियों पर लगी हुई थी। ये फेस पैक हमने ऐसे कर लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपना फेस पैक लगाने लगे हैं अपने फेस पे। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है मेरी उपटन है, हल्दी ऐड आ गई है ना इसमें, तो जिस चीज़ में हल्दी ऐड हो रहा है ना, वो ऐसे लगता है आपकी उपटन है। और एक और बात, जैसे आप लोगों के इवेंट्स आने वाले होते हैं ना, जैसे किसी की शादी आने वाली हो गई, किसी की बर्थडे आने वाली हो गई, तो आप लोग फेशियल करवाने सैलून चले जाते हो। सो मैं ये कहूँगी कि कोई भी केमिकल प्रोडक्ट लाइक एक दिन पहले अपने फेस पे ना अप्लाई करें, ऑलमोस्ट एक वीक पहले अपनी स्किन केयर करना शुरू कर दें, क्योंकि मेकअप में स्किन केयर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आपकी स्किन केयर अच्छी नहीं है ना, तो आपका जो मेकअप है वो बहुत पैची होगा, वो बहुत ड्राई होना शुरू हो जाएगा, और जिनकी ऑयली स्किन है उनके फेस पे ज़्यादा ऑयल आएगा अगर वो उस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे। और ये वाला फेस पैक बेसिकली ज़्यादातर ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन ड्राई रहती है। अच्छा, मैं अपनी बहुत स्पेसिफिक चीज़ें शेयर करती हूँ किसी किसी के साथ, मतलब कोई मेरा सीक्रेट है ना, जैसे कि मैं लिपस्टिक कैसे लगाती हूँ या ये शेड कौन सा है, तो वो मैं बहुत कम लोगों को बताती हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि यार हेरा क्या दो तीन शेड मिक्स करके लिपस्टिक बनाती है। तो अभी भी आप लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया ना, ये वाला फेस पैक मैंने एक दो वीडियोस देखी थी और मुझे वहाँ से पता चला था। लाइक मैं इसको 1 ईयर से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, और इसके जो रिज़ल्ट है ना, वो बहुत अमेजिंग है। अभी मैं इसको अम्मा को भी लगाती हूँ अक्सर, अभी भी उनके लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया है ताकि ये वो भी लगा सके। और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है आपकी स्किन के लिए। अब हम इसको तकरीबन, ओ अपने कपड़ों पर भी गिरा लिया मैंने यार। और हाँ, एक और बात, जब भी आपने कोई ऐसा फेस पैक यूज़ करना है ना, तो कोशिश कीजिएगा कि कोई घर के गंदे कपड़े पहने। मैंने वीडियो बनानी थी तो मैं बिल्कुल गंदे नहीं पहन सकती थी ये भी गंदे ही हैं, इतने कोई वो नहीं है, बट फिर भी इसको हम थोड़ा सा अपनी गर्दन पर भी लगाएंगे और आपके सामने आपको दिखाऊंगी कि व्हाट्स द डिफरेंस। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, जिसकी शर्ट है ना उसने मेरा जीना हराम कर देना, धोनी पड़ेगी। और मैं वाकई सच में, ये चीज़ मुझे अब पता चली है कि आप अपने वो कपड़े पहने जो आपने इसके बाद उतार के धोने के लिए देने हैं, वो ना पहने के लिए जो बिल्कुल न्यू है। अब इसको हम ड्राई होने देंगे और अबाउट 20 मिनट्स खुश्क होने देते हैं इसको। ओके, तो मैं शदीद वाला टाइम गुजारने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरा कट नहीं रहा है और मेरे मुँह से उतर के गिर के नीचे गिरी जा रहा है। ये खुश्क इसलिए, मुझसे टाइम इसलिए नहीं गुजरा क्योंकि मेरा फ़ोन लगा हुआ है इस टाइम ट्राईपॉड पे और आई कांट यूज़ इट। और हाँ, आप लोगों ने ये मास्क अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इसमें वो सब इंग्रेडिएंट है जो आपके घर पे आम मिल जाएंगे। ठीक है, आपने अप्लाई करना है इसको, ट्राई करना है और मुझे अपनी पिक्चर्स या अपने रिजल्ट रिव्यूज़ शेयर करने हैं इंस्टाग्राम पे भी। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ जाके आपने शेयर करना है, मुझे टैग करना है स्टोरीज़ में। मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा ये फेस पैक कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने लोग इससे सेटिस्फाई हुए हैं। सो लाइक इट्स नॉट मी, मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मैंने इन्वेंट नहीं किया था, मैंने भी किसी का देखा था और मुझे पता चला था कि यार हाँ ये कुछ होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है
स्किन केयर ना सिर्फ मैं ही करती हूँ बल्कि बहुत से लोग स्किन केयर पर तवज्जो देते हैं, सो मुझे लगता है कि करनी भी चाहिए आपको स्किन केयर बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। और जैसे ही आप लोग मुझे अपने रिव्यूज़ शेयर करोगे ना, मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूँगी, एक और फेस पैक आप अपने स्किन के जो टोन है उसको आप कैसे कर सकते हो, अपने फेस पे जो डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, एक्नी के मार्क्स आ जाते हैं लाइक यहाँ यहाँ करके और डिफरेंट जगहों पे, तो आप उसको रिमूव कैसे कर सकते हो। आपकी मतलब वो फेस पैक मेरे पास इस तरह का है कि वो आपके टोन को इंस्टेंट अप कर देता है, सो वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। पहले देख लूँ कि आपको ये वाला फेस पैक कैसा लगा है, सो आप लोगों ने मुझे YouTube वीडियो के कमेंट के नीचे भी बताना है और मुझे आपने Instagram पे भी स्टोरीज में मेंशन करना है, सो मुझे पता चल सके ना। और उसके अलावा आप क्या चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी स्किन से रिलेटेड किस चीज़ पे लेकर आऊँ और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो जितना मुझे पता हुआ और जो चीज़ मैंने अप्लाई की हुई। मैं कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई ना की हो, तो मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करूँगी जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई की होगी, ठीक है। ओ हाँ, मुझे एक और आइडिया है, मैंने कहा यार जब तक मेरे फेस पे लगी हुई क्यों ना मैं अपने बाजुओं पे लगाऊं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा बचा, अगर मैं मामा को भी लगा दूँ ना तब भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको ना अपने आर्म्स पे भी लगाती हूँ। भाई पूरा अच्छा लगना चाहिए ना, पूरी स्किन ग्लो करनी चाहिए। अच्छा, हम लोग पता क्या करते हैं, जो नॉर्मल हम लोग होते हैं, हम लोग अपने ना फेस की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो हमारा फेस तो सही हो जाता है लेकिन हमारे हाथ पाँव ना हमारे फेस के नीचे बहुत ज़्यादा डल लगते हैं। तो आई मस्ट से अगर आप स्किन केयर कर रहे हो तो आप अपने हाथों पाँव की भी साथ साथ ही केयर करो। सब हम ये वाला इधर भी अप्लाई कर रहे हैं। इस फेस पैक के बाद ना आपको बोटॉक्स वाली फील आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्किन को ना किसी ने वो किया है, खींचा खींचा है, लेकिन आपके रिंकल्स ख़त्म किए हैं। वैसे भी फेस पैक लगा के इतना बोलते नहीं है, मैं कब से बकवास की जा रही हूँ इतना नहीं बोलते हैं, अपने मुँह को शट रखते हैं और अपना काम करते हैं लेकिन नहीं, मेरा को तो बोलना। प्लीज़ नीचे आप कोई कपड़ा भी बिछा लीजिएगा, जो जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे ट्राउज़र पे भी गिर गए, हेरा इस टाइम हल्दी हल्दी हुई भी है। मोरे सैया मिला के मोसे ने ना चुराई मोर चुराए दिन रहना। अच्छा, हाथ पे बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है, वो जैसे जैसे ड्राई हो रहा है मैं उसको रीअप्लाई कर रही हूँ ताकि इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आए। ओके गाइस, सो जैसा कि आपको लग रहा है कि लाइक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए, मुझे तो यही लग रहा है कि 15 मिनट्स हो गए, मैं टाइम भी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि फ़ोन में उधर लगा हुआ है। सो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए हैं और मेरा फेस हल्का हल्का ड्राई हो गया है, तो 5 मिनट और स्टे करेंगे और फिर मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, सो अब ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं, तो अब मैंने इसको फेस को वॉश करने जाना था। मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगी, लाइक दिस अपने फेस पे मसाज करूँगी, जितना भी मैंने जितनी भी प्रोडक्ट लगाई थी, बाजुओं पे भी सेम ऐसे ही करूँगी और फेस पे भी, और जितना भी आप ही के बेड पे गिर रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने तो आपको ये रेमेडी शेयर करनी थी, तो हम स्क्रबिंग के बाद में फेस धो के आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, और अपने बाजुओं के लिए भी सेम यही चीज़ करेंगे। ओके गाइस, सो मैंने अपने बाजुओं को भी ऐसे ऐसे स्क्रब किए और फिर अपने फेस को भी, अब हम इसको वाइप इट ऑफ करेंगे एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ वॉश होने के बाद। ओके गाइस, तो मैंने जो अपना फेस है वो वॉश कर लिया, ड्राई करके आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, सो यू गाइस कैन सी द रिजल्ट्स विदाउट एनी मेकअप विदाउट एनी प्रोडक्ट, इस मास्क ने मेरे फेस पे ग्लो देखे, ये वाला ग्लो, और ये वाला ग्लो ऐसा होता है कि लाइक नेचुरली जो चीज़ आपके अंदर जाती है ना, आप जो नेचुरली अपने फेस पे लगाते हो वो चीज़ आपके फेस में ज़्यादा टाइम तक स्टे करती है, यानी कि आपने कुछ प्रोडक्ट लगाई वो कुछ टाइम के लिए रही और फिर आपको दोबारा से उस चीज़ की जरूरत होगी। अगर आप इसको हर हफ्ते या लाइक वीक में दो दफ़ा इस फेस पैक को ट्राई करते हो ना, तो ये चीज़ आपके फेस में नेचुरली रह जाएगी और आपकी स्किन नेचुरली ऐसी ही हो जाएगी। लाइक देखिए मेरे हैंड्स भी कितने फ्रेश लग रहे हैं और मैंने अपनी बाजू पर भी साथ ही लग लगते हाथों लगा दिया था, और आई विल रिकमेंड कि आप इसको अपने पाँव पे भी यूज़ करें, बट इसका जो रिज़ल्ट अब मेरे फेस पे आया ना, लाइक इट्स अमेजिंग ग्लोइंग इफेक्ट, और थोड़ी वो फील आ रही है बोटॉक्स वाली, लाइक कि मेरे किसी ने रिंकल्स, वैसे तो रिंकल्स इतने हैं नहीं बट जिनके भी होंगे उनको वो श्रिंक करेगी और लाइक
ये रिजल्ट है। सो गाइस ये वाला फेस पैक था मेरा स्किन ग्लोइंग स्किन के लिए, अपने पोर्स श्रिंक करने के लिए। कुछ लोगों के यहाँ पे बटरफ्लाई पोर्स होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे पोर्स होते हैं, कुछ लोगों के नोज पे बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं। तो ये एक फेस पैक बहुत अच्छा है पोर्स को बंद करने के लिए, पोर्स को श्रिंक करने के लिए। सो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये फेस पैक अच्छा लगा हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह के ज़्यादा सारे फेस पैक्स और स्किन केयर और हेयर केयर की चीज़ें लेके आती रहूँ। सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।